श्री सत्य साई सेवा संगठन बिहार के द्वारा पटना जिले के हाथीदह में गंगा किनारे राधे श्याम शर्मा के प्रांगण में श्री सत्य साई भगवान का 96वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें बेगूसराय, पटना, लखीसराय के साई भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान दिन भर भजन कीर्तन होता रहा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उपस्थिति अधिक नजर आई। उक्त जानकारी संगठन के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह एवं वर्तमान अध्यक्ष श्याम दुलार सिंह उर्फ गुड्डू ने मीडिया को उपलब्ध कराई। सत्य साई का जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पुट्टुपर्ती के चित्रावती नदी के तट पर सन 1926 को आज ही के दिन यानी 23 नवंबर को हुआ था और उन्होंने 24 अप्रैल 2011 को समाधि ले ली थी। तब से उनके भक्तों द्वारा उनका जन्मोत्सव लगातार मनाया जाता रहा है। साईं एक भारतीय धर्म गुरु के रूप में विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। जानकारों की माने तो दुनिया के 126 देशों के 1200 केंद्रों द्वारा मानव सेवा कार्य इस संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी स्थापना स्वयं सत्य साई द्वारा ही की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंहा राव, चंद्रबाबू नायडू समेत देश के दिग्गज राजनेता और सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियत आदि भी उनके शिष्य रहे। सत्य साई बाबा को प्रसिद्ध धर्मगुरु शिरडी साई बाबा का अवतार माना जाता है। उन्होंने समाधि से पूर्व यह भी घोषणा की थी उनका पूर्व जन्म प्रेमा साई के रूप में होगा और प्रेमा साई भी अपने दोनों पूर्ववर्ती शिरडी साई और सत्य साई की तरह मानव सेवा को अपना जीवन अर्पित कर देंगे। ये किस प्रकार का भजन का आयोजन आप लोग किए हैं? श्री सत्य साई बाबा का आज 96वें जन्मोत्सव के अवसर पर श्री राधे श्याम जी के यहाँ यह भजन किया जा रहा है। किस किस जिले के लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ बेगूसराय जिला, पटना जिला, लखीसराय जिला के लोग आए हुए हैं। ये सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा करवाते हैं? श्री सत्य साई सेवा संगठन बिहार का एक आध्यात्मिक संगठन है, उसी के द्वारा यहाँ किया जाता है। हथदह, महेंद्रपुर, मोकामा जितना भी यह क्षेत्र है ये बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद प्रसाद सिंह हुआ।